पढ़ाई है। आशु हैं हमारे साथ फरीदाबाद से। आशु, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल उनका हमारे पास मौजूद है। फेडरल बैंक पर राय चाहिए, इन्हें 114 के स्तर पर खरीदारी की है, तो अच्छा मुनाफा यहाँ पर होता हुआ और एक तरह से जो स्टॉक है वो इनके भाव के डबल के करीब जाता हुआ। बताएं लक्ष्मीकांत जी, फेडरल बैंक पर क्या नज़रिया बन रहा है? पिछले एक महीने में तो ये स्टॉक का बहुत बड़ा एक्शन तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, 5.25% की तेज़ी नज़र आई है। हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लैट ही रहा है ये, क्या नज़रिया बन रहा है फिलहाल? देखिए, ट्रेंड तो काफ़ी स्ट्रांग है और अगर हम पिछले 8 से 10 दिन का मूव देखें तो थोड़ा सा साइडवे आ रहा है। एक स्पाइक 206 के आसपास के स्पाइक के बाद यहाँ पे ये साइडवे बैंड में ट्रेड कर रहा है। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ तभी आएगा इस स्टॉक में जब ये स्टॉक 210 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, और एक बार ये 210 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू दे देता है तो वहां से हमें 225 से लेकर 230 तक के भी लेवल्स ये स्टॉक शो कर सकता है। सो मुझे लगता है कि इन्हें एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए यहाँ से, जो कि इन्हें रखना चाहिए 190 के साथ, और एक बार हमें डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता है 210 के ऊपर सो हमें नेक्स्ट मेजर मोमेंटम इस स्टॉक को पुश कर सकता है 225 से 230 जून के साथ। सो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 190 के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। जी बिल्कुल, तो 190 के साथ स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 210 के ऊपर जाएगा तो अच्छा मूव आता हुआ नजर आ सकता है। दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं, यूपी से दिनेश जी हमारे साथ शामिल है। दिनेश जी नमस्कार, पूछिए। बैंक के 500 शेयर्स हैं जी, बंधन बैंक 99 जी सर जी 199 रुपीज के भाव पर सर जी, और आपका नजर है क्या, आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म? लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा, 199 के पास से इनकी खरीदारी है, वहां से देखे स्टॉक 4% थोड़ा सा ऊपर आता हुआ नजर आया है, 3 महीने की होल्डिंग पीरियड है, थोड़ा शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी गिरने के बाद लास्ट 4-5 सेशन में थोड़ी सी हमें रिकवरी एक रिवर्सल आता हुआ नजर आया, शायद वही रिवर्सल में ही इन्होंने खरीदारी की है, यहाँ पर क्या लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं? साथ ही साथ आप एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। स्टॉक में वी शेप रिकवरी दिखाई दे रही है और इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल से बाइंग किया है। आज बंधन बैंक ने 200 DMA लेवल को भी रिक्लेम किया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये अपने निचले स्तर जो कि आ रहे हैं 195 के आसपास, अगर उसको होल्ड करता है तो यहाँ से स्टॉक 222 के लेवल्स को टच कर सकता है, और एक बार ये स्टॉक 222 के लेवल के ऊपर अगर मोमेंटम बनाता हुआ दिखाई देगा तो फिर यहाँ से ये स्टॉक 250 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। सो मुझे लगता है कि 195 के लेवल के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जिस दिन भी 222 के लेवल के ये स्टॉक क्लोजिंग देता है तो वहां से फिर ये 250 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। सो ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश ही दिखाई दे रहे हैं और 195 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। राइट, तो 195 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बंधन बैंक में रुकने की सलाह दी जा रही है, 250 या उसके पार भी जाने की कैपेबिलिटी है इस पर्टिकुलर काउंटर में।